गाइज हाई वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न विंटर हॉल। और इस हॉल में मैंने विंटर के लिए स्पेशली जो अमेज़न से प्रोडक्ट्स परचेज़ किया है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये काइंड ऑफ एक रिकमेंडेशन वीडियो भी है और मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आता है और आप उस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। आप इंडिविजुअल लिंक से भी प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो माई हॉल स्टोर का जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक को क्लिक करके आपको सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठे आप चेकआउट भी कर सकते हैं या फिर उन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं। सो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद दिस बॉडी वॉश। मैं सोच रही थी कि विंटर सीजन में ना कुछ एकदम रिफ्रेशिंग सा एक बॉडी वॉश चाहिए, तो इसी वजह से मैंने चेकआउट किया अमेज़न पर ये जो पियर्स का सॉफ्ट एंड फ्रेश बॉडी वॉश है। ये मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी एंड मेरे कार्ट में मैंने ऐड भी कर लिया था इसे एंड आई थॉट लेट मी ट्राई दिस वन दिस विंटर। और मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर पाऊँगी। ये 100% सोप फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। पियर्स जो सोप रहता है ना वो जनरली हम पहले विंटर सीजन में इस्तेमाल करते थे बिकॉज ऑफ द ग्लिसरीन प्रॉपर्टी इन इट। ये जो शावर जेल है डेफिनेटली पियर्स सोप जैसा उसका इफेक्ट रहता है वैसा ही इसका इफेक्ट है, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता। बट इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो है फ्रेग्रेंस। मुझे लगा था बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा एकदम फ्रेग्रेंस रहेगा बट इसका कुछ भी फ्रेग्रेंस नहीं है। जब आप बॉडी वॉश को अप्लाई करते हैं उस टाइम थोड़ा सा मिंटी सा फ्रेग्रेंस लगता है बट इट वैनिशेस। जैसे ही आप वॉश करते हैं ना उसके बाद इसका पूरा फ्रेग्रेंस वैनिश हो जाता है। तो अगर आपको ज़ीरो फ्रेग्रेंस वाला या फ्रेग्रेंस फ्री कुछ बॉडी वॉश या शावर जेल चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। बट अगर आपके लिए फ्रेग्रेंस मैटर करता है देन दिस इज़ नॉट फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो फ्रेग्रेंस है एंड ये इम्प्योरिटीज़ को तो रिमूव करता ही है, एट द सेम टाइम स्किन को ड्राई आउट बिल्कुल भी नहीं करता। आप लोगों को मैंने अपने पुराने अमेज़न हॉल वीडियो में शेयर किया था ये वाला लॉरियल सीरम के बारे में एंड यू ऑल कैन सी मैंने इसे काफ़ी इस्तेमाल भी कर लिया है। ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, बिल्कुल भी थिक नहीं है, एकदम वाटर बेस्ड है। आपको ऐसा फील होगा कि आप जस्ट वाटर अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पर, बट इसका जो इफ़ेक्ट है ट्रस्ट मी ये अमेज़न पर बेस्ट सेलर है एंड उसी वजह से ही मैंने ये छोटा वाला ट्राई किया था। अगर ये अच्छा लगा तो मैं बड़े में इन्वेस्ट करूँगी क्योंकि जो 130 ml का है वो 1000 रुपीज़ का है। सो डेफिनेटली ये इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है एंड मैं क्रीम इस्तेमाल करने से पहले इसे इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो सीरम जनरली उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन पर ना बहुत ही कम सीरम्स सूट करते हैं। ज़्यादातर सीरम से ही मेरी स्किन पर ब्रेकआउट की प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ बट इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर बनाता है, एकदम सॉफ्ट बना देता है। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है बट ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दैट्स वाई मैंने ये वाला अभी परचेज़ किया है। ये है 130 ml का लॉरियल रिवाइटलिफ्ट माइक्रो एसेंस। ये क्रिस्टल माइक्रो एसेंस है एंड इसका जो बॉटल है वो आप देख सकते हैं फ्रॉस्टेड ग्लास पैकेजिंग में ये आता है। इसका भी परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है एंड ये छोटू सा इसका भी परचेजिंग लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। तो आपको जो भी पसंद है आप ट्राई कर सकते हैं। बट मेरे ख्याल से ना ये वाला बड़ा वाला इसको इसमें इन्वेस्ट करना वुड बी अ वेरी स्मार्ट डिसीजन अगर आपको ये पसंद आता है तो, क्योंकि ये 22 ml में इतना पे करना लगभग 300 रुपीज़ ही आपको पे करना पड़ रहा है बट ये 130 ml में आपको 1000 रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। सो आई थिंक ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। टॉकिंग अबाउट सीरम्स, ओज़िवा ने खुद का स्किन केयर रेंज लॉन्च किया है एंड मैं उन्हें ट्राई ना करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं ओज़िवा के जब भी कुछ नया लॉन्च होता है उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए। दैट्स वाई मैं कुछ दिनों से एक्चुअली कुछ हफ्ता हो गया है ऑलरेडी, लगभग 1 महीने होने ही वाला है, मैं ओज़िवा के ये 2 स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई आउट कर रही हूँ। ये है ओज़िवा क्लीन प्लांट बेस्ड इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश एंड उसी सेम रेंज से ही है इनर ग्लो स्किन ब्राइटनिंग फेस सीरम। इस फेस वॉश में ना एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे फेस वॉश में उतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है, क्योंकि उससे मेरी स्किन पर इरिटेशन होती है। ऑल्दो इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरी स्किन पर कुछ भी इरिटेशन नहीं हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। एंड फ्रेग्रेंस अगर आपको पसंद है फेस वॉश में तो उसके लिए तो आपके लिए ये परफेक्ट रहेगा, बट मुझे फेस वॉश में जनरली इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं होता है, तो इसी वजह से मुझे ये इसका ड्रॉबैक लगा। अदरवाइज इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका कंसिस्टेंसी, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये जो फेस सीरम है ये ड्रॉपर फॉर्म में आता है, सो दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट, ट्रैवलिंग के वक्त भी ईजी हो जाता है, बहुत लाइट वेट है इसी वजह से। एंड ये सीरम मैं दिन में इस्तेमाल करती हूँ, डे टाइम में। आप चाहते हैं तो इसे आप रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं जनरली इसे डे टाइम में इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। मैं दिन में इसे 2 बार इस्तेमाल करती हूँ, एक तो सुबह ब्रश करने के बाद जब फेस को वॉश करते हैं उस टाइम, एंड देन मैं नहाने के बाद, शावर लेने के बाद फिर से इस सीरम को अप्लाई करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, तो अगर आप इस ओज़िवा स्किन केयर रेंज के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ इसके जो प्रोज एंड कॉन्स है शेयर करूँगी एक अलग से वीडियो में, लेकिन उसके लिए आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट मैंने मामाअर्थ के 2 प्रोडक्ट्स ट्राई आउट किया है इस महीने। ये है मामाअर्थ चारकोल फेस वॉश एंड ये है मामाअर्थ C3 फेस मास्क। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये 2 प्रोडक्ट्स है। मैंने अमेज़न पर देखा है इसका जो एक गिफ्ट सेट है, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स का एक सेट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, तो आप वो किसी को गिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज दीज 2 प्रोडक्ट्स आर रियली इफेक्टिव। ये गिफ्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। ऑयली स्किन टाइप्स, ड्राई स्किन टाइप्स, सेंसिटिव, एक्ने प्रोन सभी के लिए परफेक्ट है। ये जो फेस वॉश है ना, इसका एक ही ड्रॉबैक मुझे जो लगता है कि इट इरिटेट्स माय आई। अगर मैं इससे अपने आई मेकअप को रिमूव करने जाती हूँ तो थोड़ा सा इरिटेशन मुझे फील होता है। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छी तरीके से स्किन को क्लियर बनाता है, क्लीन बनाता है। सो आई एरिया को अवॉइड करके आप अप्लाई करें इसे, अगर ट्राई कर रहे हैं तो। एंड ये जो फेस मास्क है, दिस इज़ माई फेवरेट। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है एंड मैंने तो इसे काफ़ी ख़त्म भी कर लिया है। सो अगर आप इस मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अलग से रिव्यू वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए एक अलग से इन प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैंने ना कुछ लिपस्टिक्स परचेज़ किया है फ्रॉम अमेज़न। ये है कीरो नॉन स्टॉप एयरी मैट लिक्विड लिप कलर एंड इसमें जो मैंने शेड सिलेक्ट किया है ना, सारे ही रेड कलेक्शन का है, मतलब रेडिश काइंड ऑफ शेड्स है। 5 शेड्स मैंने इस बार ट्राई आउट किया है एंड इनमें से मेरा जो सबसे फेवरेट शेड है वो है ये वाला जो मैंने अभी वेयर किया है, क्योंकि ये सटल काइंड ऑफ एक रेड है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप इनके स्वॉचेस देखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में इनके स्वॉचेस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, ताकि आप सबको पता चले कि कौन सा शेड आपके लिए परफेक्ट रहेगा। एक्चुअली क्रिसमस इज ऑलरेडी हियर और विंटर सीजन में ना कुछ डार्क लिप कलर मुझे काफ़ी पसंद आता है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसका जो रेड कलेक्शन है उसे परचेज किया है इस टाइम। तो मैंने सारे जो इसका जो पूरा रेंज है ना, उसके परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है ताकि आप सबको आसानी हो उन्हें परचेज करने के लिए। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल था। वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बाय।